क्या नाम है आपका? क्या हुआ था आपके साथ? मेरे को जी मंडी में ड्यूटी के लिए बुलाया था। किसने बुलाया था? मैडम ने, सेक्रेटरी ने। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने 2 महीने ड्यूटी करवाई, उसके बाद उन्होंने कह दिया कि आप अभी घर बैठो, थोड़े दिन के लिए हम बुलाएंगे आपको। उसके बाद मेरी लगातार तनख्वाह आती रही बैंक में, तो वो लेते रहिए तनख्वाह, बोल के लेते रहिए, क्या नाम है कि तुम्हें पक्का कर देंगे हम, तुम घर बैठो भी हम बुला लेंगे। और उसके बाद अभी तक भी जी हमें मारने की और सब चीज़ की वो मिल रही है, धमकी दी जा रही है मेरे घर वाले को रोक रोक के। कितना पैसा ले लिया उन्होंने तब? लगभग 1-1.5 लाख के करीब होगा। आप क्या कहती हैं? अब ये कहती हैं कि क्या नाम है, तुम्हें मार देंगे नहीं तो तुम हमारे पीछे मत पड़ो, और क्या नाम है हम, हाँ तो अपना केस वापसी ले लो तुम। नहीं, मामला तो उनके ऊपर दर्ज हो गया है, अब क्या चाहते हो आप? अब हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। मुकदमा दर्ज तो हो गया पर वो अभी हाथ नहीं आई, हाथ नहीं आई। और दूसरी बात, कोई कार्रवाई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी, हमने कोर्ट द्वारा ही करवाया जी अभी तक। सुबह से शाम तक हमारे केस पर चलते हुए 2 साल हो चुका, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हर जगह भाग चुके हम, जहाँ जो कहता है वहाँ भाग चुके हैं, कोर्ट तक भी पहुँच गए हम, पर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ अभी तक। कल को हमें मार दिया, हमारे बच्चों को मार दिया, बताओ मार तो कुछ भी नहीं रहेगा। नहीं, उसके बाद कोई धमकी उनकी दी गई है आपको? हाँ, धमकी दी गई है। किसने दिया धमकी? मेरे घर वाले को, लता जी, उनके अजय सर ने जी, मैडम सर ने। क्या बोले उन्होंने? बोला था अगर तुमने ज्यादा कार्रवाई करनी चाहिए, किसी को ज्यादा बताया ना तुमने, जान से मार दिया।